आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ पत्ता गोभी मटर आलू रेसिपी। इसको आप लोग रोटी के साथ भी खा सकती हो और चावल के साथ भी खा सकती हो। ज़्यादा से ज़्यादा रोटी के साथ तो और भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम तेल ऐड कर दूँगी। तेल को हम बहुत अच्छे से गर्म कर लूँगी। ये देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हम आलू को फ्राई कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। तवे नमक को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाद में हम हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। अभी आलू को थोड़ा बॉयल होने दो, उसके बाद ही हम ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। फिर हम कुछ टाइम के लिए ढक्कन से ढका रखूँगी। तब हम ढक्कन हटा कर देखूँगी। ये देखिए आलू फ्राई होने लगा है। तो अभी इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ही ऐड करना है। आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अभी इसको एक प्लेट में निकाल कर लूँगी। तो इसमें हम फिर से थोड़ा सा तेल ऐड कर दूँगी। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अभी इसमें ऐड कर दूंगी तेज़पत्ता। पहले हम तेज़पत्ता को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ये देखिए तेज़पत्ता फ्राई हो चुका है। तो अभी इसमें ऐड कर दूंगी पचफोरन। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद अभी इसमें ऐड कर दूंगी मटर, पत्ता गोभी, ग्रीन चिली को हमें एक ही साथ में काट कर कर ऐड कर लिया है। देखिए तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर बाद हम इसको ढक्कन से ढक कर बहुत अच्छे से पका लूंगी। फिर इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा जीरा पाउडर। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तब इसमें ऐड कर दूंगी नमक। इसमें ऐड कर दूंगी फ्राई किया हुआ आलू।
तो ये देखिए रेसिपी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सबसे पहले मेरा हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।